हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगिता। वेलकम टू आवर चैनल। दुनिया में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब होता रहता है जिन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्मल बात करते करते फॉरेन एक्सेंट में बात करना शुरू कर दे तो काफी अजीब लगेगा। हाल ही में एक महिला जो 2 हफ्ते से कोमा में थी, जब उसे होश आया तो बोलने का तरीका ही बदल गया। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि ये पूरा किस्सा क्या है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर का ही एक मामला देख लीजिए, जहां एक महिला लगातार 2 हफ्तों तक कोमा में थी। जब वे कोमा से बाहर आई तो उसके बोलने का तरीका ही बदल गया। ये मामला हाल फिलहाल का ही है। महिला की उम्र 24 साल है और उसका नाम समर डाइज है। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला अपनी जिंदगी में कभी भी न्यूजीलैंड नहीं गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोमा से उठते ही उसने कीवी लहजे में बोलना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला की एक अजीबोगरीब बीमारी है जिसकी वजह से उसका उच्चारण ही अचानक से बदल गया। इस बीमारी का नाम है फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। इसे एक्सेंट चेंज सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इस अजीबोगरीब बीमारी में लोगों का उच्चारण अचानक ही बदल जाता है। ऐसे में लोगों को उस मरीज के बोलने का तरीका सुनकर बहुत हैरानी होती है कि ऐसे कैसे संभव है। दरअसल आमतौर पर अलग अलग देशों के लोगों के बोलने का तरीका और उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका का कोई व्यक्ति अलग तरीके से अंग्रेजी बोलता है, जबकि किसी भारतीय व्यक्ति का अंग्रेजी बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। इन दोनों ही जगहों के लोगों को एक दूसरे का उच्चारण सीखने में महीनों या सालों लग जाते हैं, लेकिन फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम से पीड़ित लोग आसानी से किसी अन्य एक्सेंट में बोलने लगते हैं। कहते हैं कि ये एक दुर्लभ सिंड्रोम है जिसका पहला मामला साल 1907 में सामने आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बीमारी दिमाग के बाएं तरफ वाले भाग ब्रोका में चोट लगने के कारण हो सकती है, क्योंकि शरीर का यही भाग स्पीच में मदद करता है। जब अचानक ये दिमाग तक पहुंचने वाले खून का बहाव रुक जाए और दिमाग की नसें फट जाए तो ये बीमारी हो सकती है। चलिए बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों की। चोट लगने के बाद अंग्रेजी शब्दों को बोलते वक्त एसटीआर जैसे साउंड का उच्चारण करने में दिक्कत होती है। वहीं ऐसे अक्षरों को बोलने में दिक्कत होती है जिसे बोलने में जीभ को ऊपरी दांत पर छुआना पड़ता है, जिसे अंग्रेजी का अक्षर टी और डी। आपको बता दें कि कुछ शब्दों को बोलने में सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति अचानक ही साउंड को गायब कर देता है या फिर नए साउंड को जोड़ देता है। इसका पहला केस भले ही 1907 में सामने आया था और हेल्थलाइन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी को लेकर अब तक सिर्फ 100 लोगों को पता चला है। फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम के ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर दिमाग पर चोट लगने के कारण ऐसा हुआ है तो सर्जरी के जरिए दिमाग के क्लॉट को या खून को जमने से रोका जा सकता है, लेकिन किसी और कारण से अचानक ही ऐसा हो जाता है तो स्पीच थेरेपी और काउंसलिंग थेरेपी से इसका इलाज संभव है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।